बन गया है। ठीक है चलो उसी प्रोग्राम को बना के बताते हैं कैसे बनता है प्रोग्राम। ठीक है ग्रिड्स वाला था ना, ठीक है सब लोग माइक बंद कर लो अपना। ठीक है include conio dot h void main ठीक है। एक वेरिएबल हम लोग को लेना था, क्या वेरिएबल लेना था, इंट मार्क्स। ठीक है अब इनपुट लेंगे, कैसे इनपुट लेते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं इनपुट लेने के लिए। स्कैनएफ यहाँ लिखेंगे परसेंट डी कॉमा दे के एम्परसेंट मार्क्स। ठीक है फिर उसके बाद हम लोग को कंडीशन लगाने थे। ठीक है मैं यहाँ पे देता हूँ इफ, ठीक है मार्क्स इज लेस देन इक्वल टू 99 एंड मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 85। 85 था क्या, चलो 85 ही ले लेते हैं। ठीक है तो क्या रहेगा प्रिंट एफ, स्लैश एन ग्रेड ए। ठीक है नेक्स्ट कंडीशन क्या है, कैसे लेंगे हम लोग, एल्स इफ ठीक है मार्क्स इज ग्रेटर देन या फिर हम लोग ले लेते हैं लेस देन 85 एंड मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60। ठीक है अगर मार्क्स जो है 85 से छोटा होगा और 60 के इक्वल होगा ठीक है तो क्या प्रिंट करेगा, ग्रेड बी। ठीक है फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं थर्ड कंडीशन पे, एल्स इफ मार्क्स इज लेस देन 60 एंड मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40। ठीक है 40 नहीं लेते हैं, इसको 50 ले लेते हैं। चलो ठीक है क्या प्रिंट होगा, प्रिंट एफ ग्रेड स्लैश एन ग्रेड सी। ठीक है फिर उसके बाद एल्स इफ, ठीक है फिर उसको क्या बच गया, मार्क्स इज लेस देन 50 एंड मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 33।
ठीक है, तो क्या प्रिंट करेगा, प्रिंट एफ स्लैश एन ग्रेड डी। ठीक है, अब फाइनली अगर इससे कम अगर कोई वैल्यू डालता है, कोई कम मार्क्स वाला होगा, तो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ठीक है, प्रिंट एफ ठीक है, क्लियर, कैसे किया, समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आया फिर से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ग्रेडिंग सिस्टम की है। ठीक है, अगर मार्क्स की वैल्यू जो है लेस देन इक्वल टू 99 होगी, मतलब 99 या फिर 99 से कम, और कहाँ तक, मार्क्स इज ग्रेटर देन 85। ठीक है, 85 से बड़ा होना चाहिए और 99 के इक्वल या फिर कम होना चाहिए। ठीक है, मतलब रेंज क्या है हमारा, 85 टू 99, 85 से 99 के बीच में अगर मार्क्स होगा तो ग्रेड ए कहलाएगा। क्या प्रिंट करेगा, ग्रेड ए प्रिंट करेगा। ठीक है, सेकंड कंडीशन में क्या है, मार्क्स इज लेस देन 85। ठीक है, मार्क्स जो है 85 से कम होगा और किसके इक्वल बड़ा होगा, या फिर 60 से लेके 85 तक। कि मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, 60 से बड़ा होगा और 85 से छोटा होगा। ठीक है, तो क्या होगा, ग्रेड बी होगा। ठीक है, देन उसके बाद उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन है, मार्क्स इज लेस देन 60, मतलब 60 से छोटा और 50 से बड़ा, 50 या फिर 50 से बड़ा, मतलब रेंज क्या है हमारा, 50 से लेके 60 तक। ठीक है, तो क्या प्रिंट करेगा, ग्रेड सी प्रिंट करेगा। फिर उसके बाद अगर हमारा मार्क्स जो होगा 50 से लेस होगा और 33 के इक्वल या फिर ग्रेटर होगा, तो रेंज क्या है हो रहा है हमारा, यहाँ 33 से लेके 50 तक। ठीक है, तो हमारा ग्रेड क्या होगा, ग्रेड डी होगा। ठीक है, ग्रेड डी हम लोग यहाँ दे दिए, क्लियर। अगर 33 से नीचे वाली कोई वैल्यू डालता है या वे मार्क्स जो है 33 से कम होता है तो क्या होगा, समझ गए। ठीक है, इसको करते हैं सेव, यहाँ पे मैं देता हूँ ग्रेड्स डॉट सी। ठीक है, इसको करते हैं कंपाइल, दो एरर, स्टेटमेंट मिसिंग। अच्छा, यहाँ हाँ, तो यहाँ पे देखो सेमी कॉलन मिसिंग था। ठीक है, फिर से सेव करो, कंपाइल करो, हट गया एरर, अब करो रन। ठीक है, क्या मार्क्स डालूँ बताओ, मैं डालता हूँ 100। ठीक है, 100 मिलता है किसी को, नहीं मिलता है। ठीक है, मैं डालता हूँ 98। ठीक है, क्या आया, ग्रेड ए आया। ठीक है, फिर से रन करते हैं, मैं डालता हूँ 83। ठीक है, क्या आया, ग्रेड बी आया। ठीक है, मैं डालता हूँ 68, क्या आया, ग्रेड बी आया। ठीक है, मैं डालता हूँ 58, इसमें डाल देते हैं 58। ठीक है, क्या आया, ग्रेड सी आया। अगर मैं 60 डालता हूँ तो क्या होगा, देखना, क्या आया, ग्रेड बी आया। ठीक है, अगर मैं डालता हूँ 31, क्या आएगा, फेल आया। ठीक है, समझ में आया प्रोग्राम कि नहीं आया, आ गया, अच्छे समझ में आया। फेल दिखाएगा, क्योंकि 100 के लिए तो हमने बनाया ही नहीं है ना।
क्योंकि 100 किसी को मिलता है क्या कभी? कितना भी बड़ा टॉपर हो 100 नहीं मिलेगा। चलो इसको 100 कर देते हैं, ठीक है। अब दिखाएगा, ठीक है। क्या आया? ग्रेड ए आया, ठीक है, क्लियर है। समझ में आया अभी प्रोग्राम कि नहीं आया? आगे समझ में? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। बोलो। स्टेटमेंट मिसिंग मतलब कुछ छूट जाता है। देखो वो सेमी कॉलन, ये जो सेमी कॉलन लगाया ना, ये वाला, ये छूट जाता है कभी कभी, ध्यान नहीं रहता अपना, ठीक है। तो स्टेटमेंट मिसिंग सेमी कॉलन लिखे रहता है उसके बगल में। जैसे मैं यहाँ छोड़ देता हूँ, ठीक है, हटा देता हूँ यहाँ पे, फिर तो कंपाइल करूँगा यहाँ, तो देखो एक एरर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद कोई भी की दबाऊंगा तो यहाँ पे देखो स्टेटमेंट मिसिंग सेमी कॉलन लिखे रहता है, ठीक है। बस समझना है हम लोग को क्या एरर है वो बता रहा है हम लोग को, ठीक है। इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो कर्सर कहाँ है, स्कैनएफ के पास ब्लिंक कर रहा है, मतलब इसके पहले में यहाँ पे सेमी कॉलन छूटा हुआ है, ठीक है। कभी भी सेमी कॉलन इफ में नहीं लगता है। इफ के साथ कभी भी यहाँ सेमी कॉलन लगा दोगे तो एरर शो करेगा। इफ के साथ कभी भी सेमी कॉलन नहीं लगता है, ठीक है। ठीक है, और किसी कुछ पूछना है? सिंटैक्स एरर, जैसे यहाँ पे लिखे हैं हम लोग इफ, ठीक है, इसके जगह फाइल लिख दो। क्या लिखे हम लोग? स्पेलिंग मिस्टेक कर दिए, ठीक है। मैं इसको करता हूँ कंपाइल, ऑल्ट प्लस F9, एक एरर आ रहा है, ठीक है। तो ये हुआ सिंटैक्स एरर, ठीक है। या फिर हम लोग यहाँ पे इफ रहने देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं प्रिंट बस लिखता हूँ, प्रिंट एफ से एफ हटा दिया, वापस से कंपाइल करते हैं। या फिर ऐसे कुछ हम लोग स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे या तो स्पेस वो कर दो फिर कंपाइल करो, तो यहाँ पे देखो एरर आ रहा है, सब में स्टेटमेंट मिसिंग दिखा रहा है यार, ऐसे कैसे? ठीक है, या फिर यहाँ पे एरर ले आते हैं, ठीक है। तीन एरर आ रहा है यहाँ पे देखो, स्टेटमेंट मिसिंग, अनडिफाइंड सिंबल, इस टाइप के एरर आने चालू हो जाएंगे, ठीक है। तो यही होता है सिंटैक्स एरर, ठीक है।
सही से नहीं लिखोगे तो एरर आएगा, उसी को सिंटैक्स एरर बोलते हैं। क्लियर है? ठीक है, इस प्रोग्राम का वो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया, ले लिए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ठीक है, अगला है स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग मल्टीपल कंडीशंस पे काम करते हैं। ठीक है, स्विच स्टेटमेंट भी हम लोग मल्टीपल कंडीशन पे ही काम, जैसे इफ एल्स इफ लैडर काम करता है लगभग लगभग, वैसे ही यहाँ पे भी मल्टीपल ऑपरेशन के थ्रू हम लोग मल्टीपल वैल्यूज़ को एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर सिंटेक्स देखिए हम लोग इसका, ठीक है, कुछ इस प्रकार का सिंटेक्स होता है। ठीक है, स्विच हम लोग लिखते हैं, देन उसके बाद एक एक्सप्रेशन देखते हैं। ठीक है, एक्सप्रेशन मतलब कोई ना कोई एक वेरिएबल होगा, वेरिएबल की वैल्यू हम लोग इसमें चलाते हैं। ठीक है, उस वैल्यू को जो एक्सप्रेशन होगा यहाँ पे, उस वैल्यू को यहाँ पे केस के साथ मैच करते हैं, केस वन केस टू। ठीक है, इस प्रकार से मैच करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ कुछ रूल्स होते हैं इसके। ठीक है, ये सिंटैक्स समझ में आया, प्रोग्राम हम लोग बनाएंगे तो पूरा सिंटैक्स अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे, स्विच लिखते हैं। ठीक है, स्विच के साथ में ब्रैकेट के अंदर हम लोग लिखते हैं एक्सप्रेशन। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, उसके अंदर केस हम लोग लिखते हैं। क्या लिखते हैं? केस। ठीक है, केस लिखेंगे और उसकी वैल्यू लिखेंगे, जैसे केस वन हम लोग को लिखना है और यहाँ पे हम लोग कोई इंटीजर वैल्यू एज ए एक्सप्रेशन हम लोग ले रहे हैं, तो केस वन हम लोग लिखेंगे और इस कोलन के बाद जो भी हम लोग कोड लिखना होगा वो कोड एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, फिर हम लोग लगा देते हैं ब्रेक। ब्रेक से क्या होगा कि एक केस एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद तुरंत वो लूप या फिर इटरेशन जो स्विच स्टेटमेंट हमारा वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। क्लियर? फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग लेंगे केस टू। ठीक है, उसका जो भी कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, और क्या एग्जीक्यूट हो जाएगा? ब्रेक। ठीक है, वैसे ही चलते जाएगा और लास्ट में जो अगर यहाँ से कोई भी मैच नहीं किया, ठीक है, कोई भी वैल्यूस अगर मैच नहीं किया तो क्या होगा? डिफ़ॉल्ट में चले जाएगा और डिफ़ॉल्ट में जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट करेगा। क्लियर? समझ में आया? ठीक है, जब प्रोग्राम बनाएंगे तो समझ में आएगा, है ना? ठीक है, तो इसके कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहला रूल होता है द स्विच एक्सप्रेशन मस्ट बी ऑफ एन इंटीजर और कैरेक्टर टाइप। ठीक है, जो एक्सप्रेशन होगा यहाँ पे या तो वो इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए या फिर वो कैरेक्टर टाइप का होना चाहिए, मतलब कैरेक्टर या इंटीजर डेटा टाइप का ही हम लोग वहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, द केस वैल्यू मस्ट बी एन इंटीजर और कैरेक्टर कॉन्स्टेंट। ठीक है, द केस वैल्यू मस्ट बी एन इंटीजर और कैरेक्टर कॉन्स्टेंट, मतलब इंटीजर कॉन्स्टेंट ही होना चाहिए। देखो, अब जो यहाँ एक्सप्रेशन में दोगे उसी को यहाँ पे केस से मैच कराते हैं, तो यहाँ पे अगर इंटीजर दे रहे हैं तो केस में भी हम लोग को इंटीजर ही देना पड़ेगा। ठीक है, अगर एक्सप्रेशन पे हम लोग कैरेक्टर दे रहे हैं तो यहाँ पे भी हम लोग को कैरेक्टर ही देना पड़ेगा, तभी केस से मैच कर पाएगा। क्लियर? ठीक है, रूल नंबर थ्री, द केस वैल्यू यूज कैन बी यूज ओनली इनसाइड द स्विच स्टेटमेंट। केस को हमेशा स्विच स्टेटमेंट के अंदर में ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब रूल नंबर फोर, द ब्रेक स्टेटमेंट इन स्विच केस इज नॉट मस्ट। ठीक है, इसका मतलब ब्रेक स्टेटमेंट जो होता है ऑप्शनल होता है, लिख भी सकते हैं हम लोग, नहीं भी लिख सकते हैं।
ठीक है, इट इज़ ऑप्शनल। देर इज़ नो ब्रेक स्टेटमेंट फाउंड इन द केस, ऑल द केसेस विल बी एग्जीक्यूटेड प्रेजेंट आफ्टर द मैच्ड केस। अगर मान के चलो हम लोग के ब्रेक नहीं लिखे, केस वन हम लोग लिखे हैं, वैसे 10 केस बनाए हैं, ठीक है। केस वन के बाद हम लोग ब्रेक नहीं लिखे हैं, ठीक है, तो जितने भी केसेस रहेंगे इसके आगे सारे के सारे एग्जीक्यूट होगी जब तक ये ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होता तब तक, ठीक है। ब्रेक ब्रेक का मतलब ये होता है कि जो भी हमारा इटरेशन, जो भी वहाँ पे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहे हैं उसको वहीं के वहीं टर्मिनेट कर देता है, ख़त्म कर देता है। क्लियर? ठीक है, तो ये है हमारा स्विच स्टेटमेंट, ठीक है, क्योंकि 4 मिनट बचा है तो अभी हो नहीं पाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसका फ्लो चार्ट देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रोग्राम हमारा स्टार्ट हुआ, यहाँ पे एक्सप्रेशन होगा जो हमारा जिस टाइप का भी जो भी हम लोग एक्सप्रेशन लेंगे, जैसे इंटीजर वैल्यू कोई ले रहे हैं और उसको डिफरेंट डिफरेंट केस से मैच करा रहे हैं, ठीक है। जैसे एक्सप्रेशन में हम लोग कोई भी वैल्यू ले लिए, जैसे कि हम लोग वैल्यू ले लेते हैं 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखो केस वन के लिए ये वैल्यू है, जो 1 लिखा हुआ है क्या है, वैल्यू है, ठीक है। 2 जो है 1 के साथ मैच करेगा, ठीक है। अगर मैच हो गया तो उसका जो भी रिस्पेक्टिव स्टेटमेंट होगा वो एग्जीक्यूट होगा, देन उसका ब्रेक करके सीधा बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो 1 के साथ मैच नहीं हुआ मतलब अनमैच्ड है, तो सेकंड केस के साथ वो मैच करेगा, ठीक है। 2 इक्वल टू 2 हो गया, तो ये मैच हो गया, स्टेटमेंट 2 जो है एग्जीक्यूट होगा, ब्रेक एग्जीक्यूट होगा और सीधा बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो जो भी मैच होगा, ठीक है, उससे रिस्पेक्टिव जो भी स्टेटमेंट होगा वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट केसेस है उसमें हम लोग काम करेंगे, ठीक है। अब इसका प्रोग्राम जो है हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत समझ में आया क्या? ठीक है, प्रोग्राम बनाएंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। जो लोग का अटेंडेंस नहीं लगा है, लिंक ओपन है, उसको लगा सकते हैं ना। ठीक है, और किसी कुछ डाउट है तो पूछ लो। कुछ डाउट है किसी को? बोलो। देखिएगा ना, वहाँ फुल एचडी में डलता है यार वीडियो, तो क्वालिटी ठीक करो मोबाइल की। अच्छा, वो ब्लर दिखता है तुम्हारा, ऐप में ब्लर दिखता है? नहीं, क्लियर दिखेगा वो तो, एकदम मस्त है। तो नेट नेट का दिक्कत होगा है ना? नहीं, अपडेट तो अपडेट किए हो ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, वो मेन क्या है, यूट्यूब का लिंक रहता है, ठीक है। वो सारे यूट्यूब के लिंक होते हैं, ठीक है, तो YouTube से ही चलता है, ठीक है। नेट स्लो रहेगा तो क्वालिटी उसकी ख़राब हो जाती है, वो तो जानते हो, बस वही कारण है। हाँ, नहीं, YouTube में तो मैं तो 4K में डालता हूँ, यहाँ पे यहाँ जो अपलोड होता है वो 4K में होता है ना। हाँ, वो अपना कम कर देता है, नेट स्लो रहेगा तो ऑटोमेटिक स्लो कम हो जाता है वो, नेट स्लो रहेगा ना तो ऑटोमेटिक वो कम कर देगा, ठीक है। तो वही कारण रहता है।